Hello students, so in this video I am going to elaborate the summary of a very important poem from your syllabus, My Mother at 66. In this poem, the poetess Kamala Das, आपको poetess के नाम बहुत अच्छे से याद रखने हैं. एक बात याद रखनी है कि आपके syllabus में there are 10 poems और सिर्फ यही poem एक ऐसी है जिसकी जो poetess है, lady, आप समझ रहे हैं, Kamala Das. समरी क्या है कि आई विल टेल यू इन वेरी सिंपल वे, ठीक है, क्योंकि समरी इज नॉट इन योर सिलेबस बट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द समरी विल हेल्प यू वेरी मच इन योर एग्जाम. कमला दास इज अ पोएटिस. वो अपने माँ के घर अपनी मदर से मिलने गई. उनसे मिलने के बाद ऑन फ्राइडे वो वापस कोचीन जा रही है. आफ्टर मीटिंग विद हर मदर वो वापस अपने घर कोचीन जा रही है और जो उसकी माँ है उसके साथ उनको एयरपोर्ट पे छोड़ने जा रही है. एंड कमला दास इज ड्राइविंग हर कार हर सेल्फ. शी इज ड्राइविंग हर कार एंड हर मदर इज सिटिंग बिसाइड हर ऑन फ्रंट सीट. हम समझ रहे हैं कि जब वो खुद कार ड्राइव कर रही है उनकी माँ साथ में बैठी हैं और जो उनकी मदर है, वाइल ड्राइविंग हर कार कमला दास एट वंस लुक एट हर. ऐसे उनकी नज़र उस पर पड़ी तो मतलब कि कमला दास को लगा कि उनकी माँ का चेहरा पीड़ा से दर्द से भरा हुआ है. आपने इसका टॉप नाम सुना माई मदर एट 66 बिकॉज शी वॉज अटेनिंग द एज ऑफ 66 ईयर्स और उसे लगा कि अब उनकी माँ जो है ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेंगी और ये डर कहीं ना कहीं बच्चों को अंदर से तोड़ देता है कि उसकी माँ अब ज़्यादा देर जिंदा नहीं रहेगी. उसे लगा कि उसकी माँ का चेहरा बिल्कुल एक डेड बॉडी की तरह है, पीला पड़ गया है, डेड बॉडी की तरह है और वो अब ज़्यादा देर नहीं रहेगी. इस दर्द से उभरने के लिए She started to look out of the window of her car. जहाँ पे उसने बाहर देखा बच्चे जो थे उनको लगा कि बच्चे, क्योंकि जब हम गाड़ी में बैठते हैं हमें हर चीज़ उल्टी डायरेक्शन में दिखती है, हमें लगता है पेड़ दौड़ रहे हैं, हम आगे चल रहे हैं, पेड़ उल्टी साइड चल रहे हैं. उन्हें लगा कि बच्चे जो हैं उल्टी डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, घरों से निकल के भाग रहे हैं, यानी कि दे आर फुल ऑफ जोश, पूरा मतलब उनके अंदर जोश से भरे पड़े हैं, राइट. उसके बाद एयरपोर्ट पे जा आ जाता है एंड जो उनकी माँ है कमला दास की वो बाहर एयरपोर्ट के बाहर खड़ी हैं और वो उन्हें बाय करती हैं अंदर जाके कि सी यू सून अम्मा, तुम्हें जल्दी मिलूँगी अम्मा, क्योंकि और वो एक दर्द एक डर बीच में लिए हुए कि अब मैं शायद अपनी माँ से कभी नहीं मिलूँ और क्योंकि उन्हें उनका चेहरा वो सर्दियों के लेट नाइट मून की तरह लग रहा था जो बहुत मुश्किल से निकलता है. जैसे जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है बादल आ जाते हैं तो चांद को हमें देखने में परेशानी होती है, तो उसने अपनी माँ के फेस को किससे कंपेयर किया, लेट नाइट मून, विंटर के विंटर्स लेट नाइट मून, ठीक है. तो ये आपकी समरी है जब पोएटेस बोलती है अपनी माँ को सी यू सून अम्मा कि अच्छा ठीक है अम्मा फिर मिलेंगे, दैट्स ऑल. ये आपकी समरी है. अब इस समरी को अगर आपने सुना ध्यान से तो ये समरी आपको कहीं ना कहीं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आपके दिए जाएंगे आपके एक्सट्रैक्ट में से वो आपको कहीं ना कहीं काम आएगी, राइट.